हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिएटर 2.0 में। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप हीरोन के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं या उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए उसको प्रूफ करने का तरीका जानते हैं आखिर में कि कैसे उसको प्रूफ करेंगे। और उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो नॉर्मल त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो जो नॉर्मल त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ई गुणे एच, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार आपका ए है और ऊंचाई आपका एच है। तो ठीक है, तो आप त्रिभुज का जो नॉर्मल त्रिभुज है उसको निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र का जरूरत क्यों पड़ा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, आपका मतलब मान ले सकते हैं कि आपका एक कन्फ्यूजन हुआ कि हीरोन का फॉर्मूला लगाते क्यों आखिर, क्योंकि एरिया तो इसे भी निकल रहा है, क्षेत्रफल इसे भी निकल रहा है, बट हीरोन का फॉर्मूला का क्यों प्रयोग करते हैं। तो मैं बता आपको देना चाहता हूँ कि जब देखिए लंबाइयाँ जो त्रिभुज की तीनों सेम रहती हैं तो नॉर्मल त्रिभुज का एरिया से निकाल सकते हैं। लेकिन जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होगी, मान लीजिए यही त्रिभुज है, ठीक है, यही त्रिभुज है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे? तो इसको ड्राइव करने के लिए ही हमें जो आप बोल सकते हैं कि जो हीरोन का फॉर्मूला का निर्माण इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि इसके बिना त्रिभुज जो डिफरेंट आप डिफरेंट लंबाई के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको इसको निकालने के लिए ही हीरोन के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो आप आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC है, ठीक है, और देखिए त्रिभुज ABC है तो यहाँ पर हमने एक लंब खींच दिया है, ठीक है, अपने से मान लिया है। अगर आप लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, तो माना कि सब डिराइव लिख सकते हैं। तो देखिए, और ऊंचाई क्या मान लिया मैंने, h, h ऊंचाई मान लिया, और यहाँ पर इस बिंदु को जो आया बिंदु है उसको D मान लिया है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC और एक बिंदु D भी हो गया, ठीक है। तो देखिए एक और बात है, त्रिभुज ABD में क्या लिखा है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, देखिए C² = x² + h² है। देखिए क्या किया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस कर्ण का, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय आपको पता ही होगा कि कर्ण का बल बराबर लंब का बल प्लस आधार का बल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे, आई होप आपको क्लियर होगा ये सब। तो देखिए इस यक्स को हम पक्षांतर करके इधर ला देते हैं और जो सी है उसको उधर भेज देते हैं, तो x² = C² - H² हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC कहाँ है, AD और C, पहले वाला त्रिभुज क्या था, ADB में, देखिए ADB में, ठीक है, अब त्रिभुज क्या है, ADC में, ADC में क्या है कि देखिए B² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कर्ण ये है, लंब ये है और आधार ये है। और देखिए यहाँ पे एक और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए पूरी लंबाई ए है, ठीक है, और इसको मैंने माना कि यक्स यक्स यहाँ से और यहाँ डी से बी तक की लंबाई ए यक्स है। तो देखिए डी से सी तक की लंबाई पूरा ए है और ये अक्स है, तो A - x हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप समझ जाएंगे, समझ क्लियर है ये। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर देखिए कर्ण का वर्ग लंब का बल प्लस आधार आधार A - x का वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसको खोल इसको देखिए A - b का होल वर्ग होता है A² + 2ab - b², ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, A² + 2ab - b², ठीक है। देखिए A - b का फॉर्मूला होता है A² + b² - 2ab, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए ये है समीकरण 1, ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए x² है, तो देखिए समीकरण 1 से b² = देखिए x² के जो जगह पे है उसको x² की जगह पे देखिए C² - H² तो C² - H² यहाँ पे ये लिखा गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये x² की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा और B² + A
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक ठीक है। और देखिए यहाँ माइनस टू ए एक्स है तो इसको इधर ले जाएंगे और बी को इधर कर देंगे, ठीक है। तो टू ए एक्स हो जाएगा और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स को देखिए एक्स को इधर ले जाएंगे तो टू इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा आपको। तो देखिए यक्स को, अब देखिए यक्स का मान आ गया, तो यक्स को समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण एक में कैसे रखेंगे, तो यक्स का मान देखिए समीकरण एक ये है, तो यक्स को इधर रखेंगे, तो उससे पहले भी एक समीकरण एक को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए ये वाला शुरू वाला समीकरण था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पहले वाला था। तो देखिए एच को इधर, क्योंकि हमको एच का ही पता करना है, और एच को पता करके समीकरण ए में रख देंगे तो हमको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये देखिए आपको पता है, ये पता है एच, लेकिन नहीं पता है, तो एच को हम निकाल करके, एच को तो ही निकालना है, एच को हम पक्षांतर कर देंगे और सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। और देखिए इसको पक्षांतर करके और यहाँ देखिए एक्स का मान, एक्स का मान रखने पर देखिए एक्स का मान निकाल लिया है। एक्स का मान क्या था, तो देखिए एक्स का मान था, देखिए एक्स का मान ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में टू ए, तो एक्स का मान है, तो एक्स का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए एच स्क्वायर इजक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स का मान ये है, ठीक है, ये एक्स के स्थान पर आया हुआ है, ये टोटली एक्स के स्थान पर ही आया हुआ है, ठीक है, ये टोटली एक्स के स्थान पर ही आया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा हुआ अगर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए अब क्या है कि एक और आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, ठीक है, और उसको आप याद रखेंगे हमेशा। देखिए यक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है यक्स माइनस वाई इंटू यक्स प्लस वाई। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको इसको एक्स मान लिया गया है और इसको वाई मान लिया गया है। तो इसी पर इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ देखिए साइड में एच स्क्वायर है, और देखिए सी और इसका पूरा वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे पूरा इसका वर्ग है टू है बटा में सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में टू है। तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसको एक बटा में है और यहाँ पे एक बटा में, तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, टू ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लगता होगा तो टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और देखिए एच स्क्वायर तो इधर रहेगा, अब देखिए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ए माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, माइनस को कॉमन लेकर के ए माइनस सी का होल स्क्वायर बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर किया गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस बी स्क्वायर बटा में टू है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बना दिया गया, इसी को ए माइनस सी का होल स्क्वायर बना दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे भी वही काम किया गया और इसको ए प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया गया, ठीक है। तो ए प्लस सी का और ए माइनस बी का ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए माइनस सी और यहाँ पे ए प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं धीरे धीरे धीरे, तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर है, तो देखिए इसको फिर पुनः वैसे ही खोलेंगे, ठीक है, कैसे, तो हम आपको फार्मूला वही बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो वही फार्मूला है, इसको इसको एक्स मान लिया गया और इसको वाई, ठीक है, तो इसी पर तोड़ देंगे। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो बी माइनस ए माइनस सी ब्रैकेट में बी प्लस ए माइनस सी, ठीक है, और इसी कोष्ट को ऐसे ही खोलेंगे ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस सी प्लस बी अपॉन में टू है, दोनों के अपॉन में टू ए रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर तो सेम रहेगा, तो बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है, और देखिए यहाँ पर बी प्लस ए माइनस सी और बटा में टू है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको सीधा सा बता देते हैं एक बात कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमको एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक है माइनस, देखिए यहाँ पर बी है, ठीक है, बी माइनस ए प्लस सी, बी प्लस ए माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है, और यहाँ ए प्लस सी माइनस बी अपॉन में टू है। तो देखिए यस बराबर क्या होता है, यस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, इसी को अर्ध परिमाप कहा जाता है, अर्ध परिमाप भी कहा जाता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस को कहा जाता है। और
देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में आपको ए प्लस बी प्लस सी बटा में टू, तो देखिए टू एस को इधर ले जाएंगे तो ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी, देखिए बी प्लस सी को एक जगह रख देंगे तो टू एस माइनस ए इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ए बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए बी प्लस सी यहाँ पर देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी लिखा हुआ है तो बी प्लस सी की जगह पर टू एस लिख देते हैं, बी प्लस सी की जगह पर टू एस माइनस ए, और ए तो पहले से ही है, ठीक है। और पुनः यही काम करते हैं, और तो देखिए क्या करते हैं, तो ए प्लस बी को देखिए ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे तो टू एस माइनस सी हो जाएगा, तो देखिए टू एस माइनस सी लिख दिए और सी पहले से है, ठीक। वैसे इसमें काम करेंगे, देखिए ए प्लस सी तो ए ए लेंगे और सी लेंगे तो टू एस माइनस बी हो जाएगा, टू एस माइनस बी हो गया, अब बी तो पहले से है, ठीक। टू एस माइनस बी यहाँ पे देखिए ए प्लस सी है तो ए प्लस सी तो बी माइनस में जाएगा, तो देखिए बी माइनस में और बी पहले से पॉजिटिव है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इधर जाएगा और देखिए टू एस देखिए ए जो ए जुट जाएगा, ठीक है, टू ए हो जाएगा, देखिए टू एस माइनस टू ए, ठीक है, और टू एस माइनस टू सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू एस माइनस टू भी यहाँ पे भी माइनस माइनस जुट जाएगा टू भी, और यहाँ पे टू एस बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, टू एस माइनस टू ए इंटू टू एस माइनस टू सी बटा में टू ए, और यहाँ पे टू एस माइनस टू बी इंटू टू एस अपॉन में टू ए, देखिए एच स्क्वायर इधर बगल में, देखिए टू इसमें से कॉमन करिए, टू इसमें से कॉमन, टू इसमें से, ठीक है। तो दो दो चार हुआ, और इसमें से देखिए दो इसमें से और दो इसमें से कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, दो टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है, अपन में चार, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ठीक है, चार अपन में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस इंटू एस, ठीक है। तो ए देखिए दो दो कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या बचेगा, फोर अपन ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस, या इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रूट को हटाते हैं, रूट को हटाएंगे तो इसी चीज़ को बाहर लगाएगा तो इधर आएगा तो वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो टू अपॉन ए टू यानी यहाँ पे जो बर्ग लगेगा मान लीजिए इसको, यह अच्छा ये है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे चार का वर्गमूल दो होता है, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा तो ए होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देखिए टू अपॉन ए इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणे ऊंचाई यानी आधार आधार हो गया ए और ऊंचाई हो गया एच, तो एच का मान तो हमारा आ चुका है, एच का मान ही हमको शुरू में भी निकालना था तो एच हमको आ चुका है। तो देखिए एक बटा दो ए सीधा लिख देंगे और एच की जगह पे टू बटा ए आई टू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी लिख देंगे और देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, दो से दो कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो ये सारा खत्म हो गया और बचा क्या सिर्फ ये। तो फाइनली जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो आया है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हीरोन का फॉर्मूला होता है। धन्यवाद।